जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। तो मीनाक्षी, यूपी में प्रवासी मजदूरों की समस्या तो है ही, लेकिन इसको लेकर जमकर अब सियासत हो रही है। यूपी में दरअसल प्रवासी मजदूरों के लिए 1000 बस भेजने की कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की पेशकश पर राजनीतिक महाभारत छिड़ चुका है। योगी के मीडिया सलाहकार का यह दावा है कि प्रियंका के ऑफिस की तरफ से दी गई लिस्ट में कुछ नंबर मोटरसाइकिल, कार और तिपहिया वाहनों के हैं। दावा यह है कि कांग्रेस की लिस्ट में कई गाड़ियां, बसें हैं ही नहीं। कल यूपी सरकार ने प्रियंका गांधी की पेशकश मंजूर करते हुए एक चिट्ठी जारी कर बसों की डिटेल मांगी थी। इस चिट्ठी के जवाब में प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह ने जवाबी खत भेजकर कहा है कि देर रात 11:40 पर यूपी सरकार की चिट्ठी मिली। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर मजदूर फंसे हैं और ऐसे में खाली बसों को लखनऊ भेजना संसाधनों की बर्बादी होगी। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, दरअसल इस लिस्ट की हकीकत क्या है? क्योंकि एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि जो लिस्ट सौंपी गई है उसमें मोटरसाइकिल, दोपहिया वाहन के नंबर है, इधर उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो बसें पहुंचे वो खाली ना पहुंचे, ये संसाधनों की बर्बादी है। इस खींचतान में कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूरों का इंतजार और लंबा हो सकता है। देखिए, साफ तौर पर ये राजनीतिक रूप से शह और मात का खेल चल रहा है। अभी तक बसें पहुंची नहीं है, मजदूर उसे लाए नहीं गए हैं, लेकिन एक बात साफ हो गई कि अभी सरकार ने एक और लेटर जारी किया है और उस लेटर के हिसाब से ये जो बसें हैं, 1000 बसें जिसे प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार को देने की पेशकश की है, इसमें से 500 बसें जो हैं वो नोएडा में और 500 बसें गाजियाबाद में देने का आदेश हुआ है। आदेश कह सकते हैं, सरकार ने प्रियंका गांधी वाड्रा के जो सचिव हैं संदीप सिंह, उनको लेटर भेजकर कहा है कि आप 500 बसें नोएडा और 500 बसें गाजियाबाद में अवेलेबल करा दें अगर आप लखनऊ नहीं ला सकते हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए, कल शाम से ही ये चिट्ठियों का जो खेल है, ये चिट्ठियों की जो शह और मात का खेल है, ये चल रहा है। सबसे पहले प्रियंका गांधी ने कहा था कि वो 1000 बसें देना चाहती हैं, उसके बाद योगी सरकार की तरफ से ये बात आया और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो डिटेल अवेलेबल कराएं, राजनीति ना करें। उसके बाद देखिए, कड़ी की कड़ी जुड़ती गई। उसके बाद सरकार ने प्रियंका गांधी के इस ऑफर को एक्सेप्ट किया और कहा कि ठीक है, आप 1000 बसें भेजिए और साथ साथ वो लिस्ट भेजिए। फिर प्रियंका गांधी के दफ्तर ने बकायदा 1000 गाड़ियों की वो लिस्ट भेज दी। लिस्ट भेजने के बाद फिर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया कि आप इसे लखनऊ में आज दिन के 12 तक अवेलेबल कराइए। इस पर जब जमकर सियासत हुई, आलोचनाएं हुई, तो उसके बाद आज यूपी सरकार की तरफ से कह दिया गया कि आप इसे नोएडा और गाजियाबाद में भेज दीजिए। लेकिन इस बीच एक और बात निकल कर के आई, सरकार की तरफ से इन जो गाड़ियों के नंबर दिए गए उसकी तहकीकात की गई और बताया ये जा रहा है कि इसमें कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो बसेज नहीं हैं, वो फोर व्हीलर हैं, कार हैं, थ्री व्हीलर हैं, मोटरसाइकिल तक के नंबर हैं। ये सरकार की तरफ से ये बताया जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है। आपके पास ये लिस्ट हो, क्योंकि हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं लिस्ट, क्या है लिस्ट का सच? क्या इसमें बसों की जो डिटेल्स मांगी गई हैं वो नहीं है, या फिर कोई और जो डिटेल्स है जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं वो दी गई है, क्या है इस लिस्ट का सच? देखिए, इस लिस्ट में निश्चित तौर पर बसें हैं, लेकिन कुछ गाड़ियों के जो नंबर हैं वो मोटरसाइकिल और कारों के हैं, ऐसा बताया जा रहा है। निश्चित तौर पर सरकार के सोर्स और सरकार की तरफ से भी हमें बताया गया है कि उनकी जांच में ऐसा निकल कर के आ रहा है कि कुछ गाड़ियों के नंबर, चूंकि 1000 गाड़ियां हैं, इसमें कुछ गाड़ियों के नंबर बस के नहीं हैं बल्कि कार और मोटरसाइकिल के हैं। अब ये देखना होगा कि क्या सचमुच में इन गाड़ियों में कुछ ऐसे नंबर हैं क्या, ये पूरी तहकीकात के बाद पता चलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से ये चीजें जो बताई गई हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि 1000 गाड़ियों में कुछ गाड़ियां ऐसी जरूर हैं जो बस के नहीं हैं। ये तो पूरी तहकीकात के बाद पता चलेगा और हो सकता है हम लोग कुछ देर बाद इसमें बता पाने में सक्षम भी हो कि कौन कौन सी वो गाड़ियां हैं। लौटते हैं कुमार आपके पास, लेकिन कैसे राजनीति शुरू हुई है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बसों के इस मामले को लेकर, इस पर ये बयानबाजी सुनिए। प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी ने एक ट्विटर के माध्यम से 1000 बसों का एक राजनीतिक, मैं कहूँगा एक तनाव छेड़ा, मगर ही राहुल गांधी और प्रियंका हम लोगों को यहाँ पे बस बॉर्डर पे लाने से बेहतर होता कि जो लोग राजस्थान से चलें या पंजाब से चलें या महाराष्ट्र से चलें
वहीं से उनको बस देते तो उनको वहां से पैदल नहीं चलना पड़ता, इसकी भी तो चिंता आपको करनी चाहिए। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के पत्र को लेकर लोक भवन गए, वहां हमने इनके अधिकारियों को दिया। कल दिन भर हम लोगों ने बसों को राजस्थान बॉर्डर पर लगा के इंतजार किया, अनुमति आज मिलेगी। और आज सवेरे जब सरकार ने कहा तो हम सूची लेकर तैयार थे। 3:30 बजे इनका बयान आया है, 2:30 बजे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद सरकार कुंभकर्णी से जागी है। हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, हम अभी कुछ देर में 1,000 बसों की सूची ले आकर वहाँ देंगे और सरकार का सहयोग करने के लिए हम संकल्पित हैं। निश्चित रूप से हम श्रमिकों के इस दुख दर्द को नहीं देख सकते। और इस वक्त आ रही हमारे पास बड़ी खबर, गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर कांग्रेस द्वारा भेजी गई बसों को लेकर खबर सामने आ रही है। प्रियंका गांधी की बस पर सीएम योगी के सलाहकार का यह दावा है। पहले आपको हम ये बता दें कि बसों की सूची में कई बाइक, तिपहिया और कार के नंबर हैं, यानी 3,000 बसों का जो दावा किया गया था उस लिस्ट में दरअसल बाइक्स के नंबर हैं, इसके अलावा दोपहिया वाहनों के नंबर हैं। 1,000 बसों की ये दरअसल लिस्ट थी, माफ कीजिए, 1,000 बसों की लिस्ट थी। अब लेकिन खबर ये भी आ रही है कि गाजियाबाद नोएडा में कांग्रेस की बस को डीएम रिसीव करेंगे। सरकार ने 12 बजे तक गाजियाबाद और नोएडा में मांगी है, यानी 12 बजे तक की ये डेडलाइन है। और अब ये देखना होगा कि इस समय तक जो दावा किया जा रहा है बसें वहां पहुंचती हैं या नहीं। लॉकडाउन 4 का दूसरा दिन है आज, लेकिन आंकड़ों में कमी नहीं आ रही है। 1,00,000 के पार पहुंच गया है देश भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा। वहीं आपको ये भी बता दें कि जो ताजा आंकड़े हैं उसके मुताबिक लगातार मामले महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र इस वक्त टॉप पर बना हुआ है, लेकिन कैसे 1,00,000 तक पहुंचा आंकड़ा ये हम आपको दिखा रहे हैं। अप्रैल से लेकर अब तक की स्थिति, किस तरीके से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और हालांकि देखिए ना, यहाँ पर यह भी देखना होगा कि लगातार चुनौती ये थी कि ये जो कर्व है आंकड़ों का, ये फ्लैट कैसे होगा, लेकिन अभी तक भारत उस स्थिति में नहीं पहुंचा है और इसीलिए ये आंकड़े डरा रहे हैं। देश में कुल आंकड़े 1,00,000 के पार चले गए हैं, जिसकी जानकारी हमने इस ग्राफ के जरिए भी आपको दी। बिल्कुल, और 24 घंटे में एक बार फिर कोरोना से बीमार तादाद करीब 5,000 तक पहुंच गई है, 5,000 बढ़ गई है, माफ कीजिएगा। और बदले लॉकडाउन में भी जिंदगी को रफ्तार देने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने चिंता और बढ़ा दी। यूपी में लॉकडाउन 4 की तस्वीरें दिखने लगी। नई गाइडलाइंस के बाद राजधानी लखनऊ में रौनक लौट आई, दुकानें खुल गई, बाजार सज गया, सड़कें सुबह से ही गुलजार हो गई। योगी सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कंटेनमेंट जोन के बाहर बाजार, दफ्तर और फैक्ट्रियों को भी खोलने की इजाजत दे दी। रेहड़ी पटरी वालों को भी हरी झंडी मिल गई। मुख्य सब्जी मंडी भी सुबह 4 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। बस शहरों में लगने वाले साप्ताहिक बाजार पर पाबंदी जरूर बनी रहेगी। लॉकडाउन 4 में योगी सरकार की एडवाइजरी देर रात आ गई और आज से ये लागू हो जाएगा। इस पर डीएम फैसला लेंगे कि आखिर कैसे खुलेगा, क्या ऑड इवन होगा या किस तरह की दुकानें खुलेंगी। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है वो धीरे धीरे खुलने शुरू हो गए हैं, मार्केट कॉम्प्लेक्स। आप देखिए, हम लखनऊ के गोमती नगर के इलाके में हैं और यहाँ पर जो मार्केट कॉम्प्लेक्स है उनकी दुकानें धीरे धीरे खुलने लगी हैं, चाहे ड्राई क्लीनर्स हो, हार्डवेयर की दुकानें हों, दवा की दुकानें पहले से खुली हुई हैं, जो स्टेशनरी की दुकानें हैं ये भी खुल रही थी और धीरे धीरे मार्केट अब खुलने लगा है। यूपी में जिंदगी रफ्तार पकड़ने लगी, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर हालात अजीब से हैं। यहाँ गाड़ियों का जमावड़ा लग गया है। बिना पास अब भी दिल्ली आने जाने वालों को सीमा पार करने की इजाजत नहीं है। योगी सरकार ने देर रात लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी। दिल्ली नोएडा और दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पहले की तरह खोलने की अनुमति भी दे दी, लेकिन नोएडा के हाकिम अब भी यथास्थिति बनाए रखने की बात कर रहे हैं। नए दिशा निर्देश के मुताबिक यूपी से पड़ोसी राज्यों में आने जाने पर अब सिर्फ शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक ही पाबंदी रहेगी। कार में ड्राइवर के अलावा 2 लोग ही बैठ सकेंगे। एक ही परिवार के होने पर 2 बच्चों को भी इजाजत होगी। दोपहिया वाहन पर अकेले जाने की ही इजाजत है, महिला जरूर पीछे बैठ सकती है। सामान ढुलाई में लगी सभी गाड़ियों को ग्रीन सिग्नल मिल गया, बस सेवा के लिए आदेश अलग से जारी होंगे। यूपी में धार्मिक स्थल, सिनेमाघर, मॉल्स और दूसरी भीड़ भाड़ वाली जगह अब भी बंद रहेंगी। लॉकडाउन में घाटे की भरपाई के लिए भी योगी सरकार ने कई फैसले लिए हैं। इस साल यूपी का कोई भी सरकारी विभाग कोई नया वाहन नहीं खरीदेगा, न ही कोई नई भर्ती की जाएगी।
यूपी में कोरोना के 4,500 से ज्यादा केस हैं, इनमें आधे से ज्यादा ठीक हो चुके हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस लागू होने के बाद आज से दिल्ली में डीटीसी बस, ऑटो और टैक्सी की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही कई इलाकों में दुकानें भी खोल दी गई हैं। कनॉट प्लेस में आज से कई दुकानें खुल चुकी हैं। कनॉट प्लेस में दुकानें खोलने के साथ ही सैनिटाइजेशन का काम भी शुरू हो चुका है। कई जगहों पर केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।